हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में बताऊंगा पॉइंटर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। पॉइंटर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू हैंडल इंटरेक्शन विद द इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, पेन हो गया। दे प्रोवाइड यू द यूनिफाइड वे टू कैप्चर और रिस्पॉन्ड द वेरियस पॉइंटर रिलेटेड एक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पॉइंटर डाउन। दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द पॉइंटर डिवाइस माउस बटन टच इज प्रेस्ड डाउन। ठीक है, ये पॉइंटर जब भी आप कोई एलिमेंट पे लेके जाओगे, या तो आपने बटन को प्रेस किया या टच किया है, उस केस में ये पॉइंटर डाउन आएगा। पॉइंटर अप, दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द पॉइंटर डिवाइस इज रिलीज्ड आफ्टर बीइंग प्रेस डाउन। ठीक है, जब भी आप कोई पॉइंटर को आप रिलीज करोगे आफ्टर बीइंग डाउन। जब आप पहले पॉइंटर डाउन में क्या किया था, हमने प्रेस किया था। जब उस प्रेस डाउन को आप रिलीज करोगे तो क्या कॉल होगा, पॉइंटर अप। ठीक है, डाउन के बाद ही ये वाला कॉल होता है। पॉइंटर मूव, दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द पॉइंटर डिवाइस इज मूव्ड। ठीक है, जब ये मूव करेगा ओवर एन एलिमेंट के ऊपर तो पॉइंटर मूव होगा। जब भी किसी आप डिव में एंटर करोगे तो पॉइंटर एंटर होगा। जब भी आप लीव करोगे तो पॉइंटर लीव होगा। ओवर, व्हेन पॉइंटर डिवाइस इज मूव्ड ऑन टू एन एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट पे जब मूव करोगे तो पॉइंटर ओवर होगा। पॉइंटर आउट, जब हटा लोगे। पॉइंटर कैंसिल, द इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द पॉइंटर इनपुट इज इंटरप्टेड और कैंसल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे पॉइंटर्स पास करने हैं आपने, तो ठीक है। सारे फंक्शन सेम ही है, बस यहाँ पे हमने पॉइंटर्स ही पास किए हैं। इवेंट लिस्टनर ही चल रहा है पूरे के पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो बस आपको मतलब मेन पता होना चाहिए कि पॉइंटर इवेंट्स होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये मैंने कर लिया, एलिमेंट पास कर दिया, सेव करता हूँ, रिलोड। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे जाता हूँ मैं। पॉइंटर ओवर गया, पॉइंटर एंटर्ड गया और पॉइंटर मूव किया। मैं जब इस पर मूव करूँगा, क्लिक किया तो क्या हुआ, डाउन। और अप मैंने हटा भी लिया साथ साथ। ठीक है, डाउन अप, डाउन अप। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स क्या होगा, अब बाहर निकाल लिया मैंने, तो पॉइंटर आउट ऑफ द एलिमेंट, पॉइंटर लेफ्ट द एलिमेंट। ठीक है, तो ये कॉल हो गया। तो जब भी आपको इस तरीके के फंक्शंस को या पॉइंटर इवेंट्स को कॉल करना है अपने कोड में, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पता ये होना चाहिए कि इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो एक बार लास्ट रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास। पॉइंटर डाउन, पॉइंटर अप, पॉइंटर मूव, पॉइंटर एंटर, पॉइंटर लीव, पॉइंटर ओवर, पॉइंटर आउट और पॉइंटर कैंसिल। ठीक है, तो ये है पॉइंटर इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स है जावास्क्रिप्ट के बारे में और एक्सप्लोर जो आप कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, वो आपके काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाए आपको। ठीक है, ताकि आप जब भी आप कोई लाइव प्रोजेक्ट में काम करो तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ भाई, माउस के कौन से इवेंट्स थे, कीबोर्ड के कौन से इवेंट्स थे, मैंने पॉइंटर एलिमेंट्स पे काम किया हुआ, वो कैसे यूज़ करने हैं। तो उसके बिहाफ पर आप जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट लेट in the comment section. Thank you so much for watching this video. Have a great day.